जहाँ अलग अलग राज्य हों, अलग अलग भाषाएं हों, उन सबको इकट्ठा रखना ये कोई मामूली बात है? ये इस देश का संविधान ही है जिसकी वजह से पूरा देश आज इकट्ठा है कि ये कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे या हम यहाँ मनुस्मृति लागू करेंगे। ये लोग ये भूल जाते हैं कि जो ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, ये हिंदू हैं कितने कि 52% आदमियों को जबरदस्ती हिंदू बना करके मनुस्मृति के अंदर कर लाया जा रहा, तो देश की हालत क्या होगी? ये अब तुम्हारे गुलाम बनने वाले नहीं हैं, जो तुम्हारी मानसिकता है कि इन सबको हम गुलाम बना करके देश पर राज करेंगे, तो ये संभव नहीं है। वो धीरे धीरे 2014 के बाद इस देश को छोड़ करके बाहर विदेशों में जा बचे। आज यहाँ है क्या जो पैसे वाले, कमाने वाले, रोजगार देने वाले, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री फैक्ट्री लगाने वाले लोग थे, उनके अधिकतर लोग तो बाहर निकल गए। एजुकेशन जिस देश में नहीं होगी वो कभी विश्वगुरु नहीं बन सकता। ये कहते हैं विश्वगुरु बनेगा, अरे ये तो बर्बाद होकर के रहेगा देश, जिस तरह के इनके हालात है, जो ये काम कर रहे हैं कि 40% देश की इकोनॉमी का जो पैसा है वो सिर्फ ब्याज में जा रहा है, तो देश देश को कह रहे हैं ये देश बन जाएगा विश्वगुरु बन जाएगा। और जो आपने ये बातें उठाई हैं संविधान को बदलने की, के भाजपा की नीयत संविधान को बदलने की है, तो मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं इतना बताना चाहूँगा कि बीजेपी का और जो विवेक देव राय जी ने, जो कि आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं और प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं, उन आदमियों ने जो इस देश में विचार करने का फैसला किया है और वो ये कह रहे हैं कि अब हमारा जो संविधान है ये पुराना हो गया है और 17 साल में देश का संविधान बदल जाता है, तो मुझे बड़ा ये दुख हुआ जानकर के कि जो विवेक देव राय जी हैं उनको इतना भी नहीं मालूम कि कितने कंट्रियों का संविधान कब कब से लागू है, और कई कई के संविधान तो मौखिक संविधान चल रहे हैं। तो मेरा विवेक देव राय जी से ये कहना है कि भैया आप अपनी अपनी खाल में रहो, फालतू बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप देश का जो संविधान बना है, ये हिंदुस्तान का ही नहीं वर्ल्ड के जितने भी संविधान हैं उनमें से एक है। जिस तरह से हमारे देश में अनेकों जातियाँ, अनेकों धर्म हैं, इन सबको इकट्ठा रखना, और जहाँ जात पात हो, जहाँ अलग अलग राज्य हों, अलग अलग भाषाएं हों, उन सबको इकट्ठा रखना ये कोई मामूली बात है? ये इस देश का संविधान ही है जिसकी वजह से पूरा देश आज इकट्ठा है। 75 साल इसको हो गए हैं देश को आज़ाद हुए, देश में कभी भी कोई इस तरह की मांग या बात नहीं उठी, और सब लोगों ने, हर प्रदेश के लोगों ने, चाहे उनकी भाषा कुछ भी रही हो, वहाँ जाति धर्म कुछ भी रहा हो, लेकिन किसी ने भी आज तक ये मांग नहीं रखी कि संविधान को यहाँ बदला जाए। जो भी बदलाव संविधान में हुए हैं ये इन पार्टियों की अपनी सहूलियत के हिसाब से इन्होंने किए हैं, नहीं तो इनकी भी बदलने की आवश्यकता नहीं थी। ज़्यादातर जो धाराएं बदली हैं बार बार, ये पार्टियों ने अपने हिसाब से ज़्यादातर बदली हैं, नहीं तो देश का संविधान इतना सुंदर, इतना बढ़िया और इतना अच्छा बनाया है जिसमें हर देशवासी को समानता का अधिकार है, धर्म मानने का अधिकार है, अपनी हर बात को बोलने का, बात करने का अधिकार है, ऐसा संविधान कहीं वर्ल्ड में मिलेगा? कहीं आपने ऐसा सुना है कि वो संविधान को इस तरह से रोज बदलते हैं? सर, मंशा क्या है सर इसकी? देखिए, इसकी मंशा जो इन्होंने बनाया है कि ये कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे या हम यहाँ मनुस्मृति लागू करेंगे, ये लोग ये भूल जाते हैं कि जो ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, ये हिंदू हैं कितने? अरे भाई यहाँ ये बताओ, ब्राह्मण कितने हैं? 4% मुश्किल से। बढ़िया कितने हैं? 3% ज़्यादा से ज़्यादा, तो 4-3-7% हुए। और छत्री जिनको बोलते हैं, जो ठाकुर राजपूत हैं, वो कितने हैं? वो आदमी 7% है, 8% लगा लो।
टोटल मिला करके 15% ये आदमी हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं। इसके अलावा जो बाकी बचा हुआ समाज है वो इस देश में शूद्र कहलाता है। शूद्र का मतलब है कि OBC जितना भी आदमी है वो शूद्र है। तो शूद्र हिंदू तो नहीं हुआ, इन्होंने कभी इनको हिंदू माना नहीं, वो तो मूर्ख बनाने के लिए कि इनको पता ना लगे, और ये लोग इनको हिंदू हिंदू करते रहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि इनको कहीं जो भी शूद्र को जिनको मानते हैं उनके लिए कोई बराबर का राइट इन्होंने हिंदुओं में मिला है, उनके साथ भी वही भेदभाव होता है जो इस देश में अति शूद्रों के साथ होता है। अति शूद्रों का मतलब है कि जो एक शेड्यूल्ड बना, जिनको शेड्यूल कास्ट कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, वो लोग अति शूद्र में आते हैं। वो पांचवा हिस्सा जो बना है, लेकिन मनुस्मृति के हिसाब से चार ही तो वर्ण हैं, उनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जिस दिन भी अब ये जो देश की आबादी लगभग जिनकी शूद्रों की, जिनको जब उसको पता लगेगा कि 52% आदमियों को जबरदस्ती हिंदू बना करके मनुस्मृति के अंदर कर लाया जा रहा, तो देश की हालत क्या होगी? इस देश में जो ये 15% लोग हैं, मन चले हैं, उनमें भी 15% में भी बहुत आदमी ऐसे हैं जिनमें से कम आधे आदमी ऐसे होंगे मेरे हिसाब से जिन जो कभी नहीं चाहते कि इस देश में हम लोग हिंदू 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 चिल्लाएं और हिंदू को ही हम आगे लाने की कोशिश करें। ये लोग ये भूल जाते हैं कि यदि हम लोग हिंदू को यहाँ लाएंगे, मनुस्मृति को लाएंगे, तो ये कोई आदमी इसमें मनुस्मृति चलने देगा? वो जमाना गया जब इसकी छोटी सी आबादी थी, मनुस्मृति लागू नहीं थी। आज इन्होंने मनुस्मृति के अनुसार ना तो किसी को ब्राह्मण के अलावा ना तो किसी पढ़ने का अधिकार था, ना किसी को कोई वो संपत्ति रखने का अधिकार था। तो इसमें जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का इनका ग्रुप था, ब्राह्मण ही हिंदू था, वो ही सर्वोपरि था। तो यहाँ तो एक पैसे की इज्जत यहाँ पर ना तो बनिया की थी जो वैश्य कहलाता है, ना ठाकुरों की थी जो राजपूत कहलाता है, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ना क्षत्रियों का भी यही हाल, क्षत्रिय कहो या ठाकुर कहो या उनको राजपूत कहो, जो भी कहना उनको कहो, वे लोग कोई इज्जत थी या उनकी? आपने ब्राह्मण ने पढ़ने लिखने का अधिकार अपने पास रखा, ना ब्राह्मण को, ब्राह्मण के अलावा ना कि उन्होंने पढ़ने का अधिकार किसी क्षत्रिय को दिया, ना किसी बढ़िए को दिया। मैं अपने बचपन की बताता हूँ, सब लोग हिंदी बुंडी लिखते थे, किसी को हिंदी भी नहीं आती थी, किसी को अंग्रेजी आने का तो मतलब ही कोई नहीं। जो बड़े बड़े घराने थे, बड़े बड़े राजा महाराज थे, उन्हीं के परिवार के लोग अंग्रेजी पढ़ते थे, और पढ़ाई का सबको अधिकार नहीं था। ये तो इस देश का भाग्य समझो, या इसको क्या कहेंगे वो समझ लीजिए कि इसमें अंग्रेज लोग आ गए और इस देश में जो मनुस्मृति की जो धाराएं थी उनको इन्होंने तोड़ा। अब ये मनुस्मृति की धाराएं थी कि यदि कोई आदमी मर जाए तो उसकी बीबी को उसके साथ जिंदा जलना होगा, ये कोई इंसानियत थी? ऐसी एक थोड़ा ही, बहुत सी धाराएं सब इस तरह की बदली गई, तोड़ी गई, हटाई गई, जो कि अंग्रेज कर गए। ये लोगों की मंशा नहीं थी, ये लोग स्त्री को पढ़ने का अधिकार नहीं, बराबर का अधिकार नहीं, स्त्री को ये लोग गुलाम समझते रहे, और दलितों को भी इन्होंने इस तरह रखा। बाकी जो शूद्र हैं, चाहे उनमें वो शूद्रों में, चाहे वो उसमें यादव हो, कुर्मी हो, कोली हो, कोरी हो, या और किसी भी जाति के हो, ये सारे के सारे लोग शूद्र हैं। अब इनको ये नहीं पता, ये संविधान बदलने की जो विवेक और देवराज जी बात कर रहे हैं कि ये लोग अब पढ़ लिख गए हैं, ये आगे बढ़ गए हैं, इन लोगों, ये अब तुम्हारे गुलाम बनने वाले नहीं हैं। जो तुम्हारी मानसिकता है कि इन सबको हम गुलाम बना करके देश पर राज करेंगे, तो ये संभव नहीं है। आपने ये यदि हालात पैदा किए तो इस देश के टुकड़े तो होंगे ही, और इस देश का ब्राह्मण खतरे में होगा, क्योंकि इनकी आबादी इतनी नहीं है कि ये लोग अपना इस तरह का राज चला लें। इस देश में मिलिट्री में भी रिवोल्ट होगा, इस देश का पुलिस पैरामिलिट्री में भी होगा रिवोल्ट, सब जगह रिवोल्ट होगा, और हालत ये बन जाएगी कि देश आग में झुलस उठेगा। यहाँ पर रिवोल्ट का असर ये होगा कि गृह युद्ध हो जाएगा, और इसमें ज़्यादा लोग कौन मारे जाएंगे? हमारे गरीब आदमी तो मारे ही जाएंगे,
लेकिन गरीब आदमी तो आज भी मरे के समान है, उनकी कोई मान नहीं, सम्मान नहीं, कोई इज्जत नहीं, भूखे मर भूखे पेट है। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? कि वे भूखे मर रहे हैं, उनके पास में सबाई उनके पास में कमाई का कोई साधन नहीं है, बेरोजगार हैं, हजारों नहीं करोड़ों करोड़ों लोग बेरोजगार हैं और सब परेशान हैं। इनको ये नहीं मालूम है कि जो लोग ये परेशान हैं, यदि तुमने संविधान को बदल करके नई व्यवस्था लाने की कोशिश की तो ये रिवोल्ट करेगा, गरीब आदमी का क्या जाएगा? मारे तो ब्राह्मण जाएंगे ना, बढ़िया मारे जाएंगे ना, तो मारे कौन जाएगा? वही पैसे वाला धनाढ्य आदमी मारा जाएगा। और उसका हालात ये होगा, गृह युद्ध होगा, तो इस देश में हालात बहुत बुरे हैं। मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को नहीं मालूम उनको समझ लेना चाहिए कि इस देश में से इस देश का जो सबसे बड़ा व्यापारी, जो देश का फैक्ट्री चलाने वाला, देश में यहाँ की जो इसकी तरक्की में सबसे ज़्यादा जिनका हाथ रहा है, वो आदमी यहाँ से 8 से 10 लाख आदमी, सरकारी आंकड़ों के अनुसार 8 से 10 लाख आदमी भारत छोड़कर के अन्य देशों में चले गए हैं 2014 से, जब से भाजपा की सरकार आई है और जब से ये अपना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से इस देश में जो इन लोगों ने उत्पाद मचाया, उत्पाद क्या था? गाय 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 का उत्पाद था। गाय हमारी माता है, अरे माता सबकी है, मानते हैं हम लोग गाय, लेकिन उसमें गाय के ऊपर तुम इतना बड़ा तमाशा कर दिया कि इस देश में मॉब लिंचिंग होने लगी, गुंडे बदमाश सड़कों पर निकल आए, वो लोग आदमी को आदमी नहीं समझते थे, और उन लोगों ने जो मॉब लिंचिंग करके लोगों को मारा, और जब हालात देखे उन पैसे वालों ने, जो इस देश का पूंजीपति था, जो इस देश का कारोबारी था, जो बड़ा व्यापारी था, उन लोगों ने कहा कि ये भाजपा वाले अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे और हालात देश के ख़राब होते जाएंगे, एक दिन हालात ये आएंगे कि देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ जाएगा और उसमें सब लोग मारे जाएंगे। इसलिए वो समझदार आदमी पूंजीपति, वो धीरे धीरे 2014 के बाद इस देश को छोड़ करके बाहर विदेशों में जा बचे। आज यहाँ है क्या जो पैसे वाले, कमाने वाले, रोजगार देने वाले, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री फैक्ट्री लगाने वाले लोग थे, उनके अधिकतर लोग तो बाहर निकल गए। अब वो जब जो समाज बाहर निकल गए, यहाँ तो आपने एक बार यहाँ चर्चा चला था, धीरू भाई अंबानी का बेटा, अंबानी ग्रुप पर ये सारा, ये लोग भी बाहर निकलने के लिए इन्होंने भी अपना आशियाना बाहर बढ़ाने का कहा, जबकि सबसे बड़ा सबसे कीमती महल जो बना हुआ है वो अपने अंबानी जी का है, वो लोग भी बाहर विदेश में, उन्होंने भी जगह देख करके वो भी शिफ्ट करें काफ़ी चला, तो किस तरह उनको मनाया, कैसे कहा, उनको रोक के रखा है, लेकिन उनका भी दिल नहीं है कि हिंदुस्तान में रहे। इस हिंदुस्तान में कोई भी आदमी रहना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ कोई भी ढंग से कार्य नहीं हो रहा है, एजुकेशन का सत्यानाश हो गया है, ये लोग चाह रहे देश को हम लोग बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं, ये इनको ये समझ नहीं रहे कि ये हो क्या रहा है। इसलिए मैं आप लोग को बता दूँ, एजुकेशन, ये एजुकेशन जिस देश में नहीं होगी वो कभी विश्वगुरु नहीं बन सकता। ये कहते हैं विश्वगुरु बनेगा, अरे ये तो बर्बाद होकर के रहेगा देश, जिस तरह के इनके हालात हैं, जो ये काम कर रहे हैं। इसलिए मेरी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि अभी भी समझ जाओ और देश को संभाल लो, नहीं तो ये देश बर्बादी के कगार पर है और बर्बाद होकर के रहेगा। मेरा ये इस सरकार से अनुरोध है कि यदि आप नहीं संभलेंगे, आप एजुकेशन को ठीक नहीं करेंगे, बेरोजगारी को दूर नहीं करेंगे, नए नए व्यापार, नए नए रोजगार, नई नई फैक्ट्री इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, हालात बहुत ख़राब होते जाएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। जो आर्थिक सलाहकार प्रधानमंत्री के हैं विवेक देवराय जी, इन लोग को सोचना चाहिए, इन्होंने आज तक क्या सलाह दी? यदि इतने अकलमंद हैं, 100 लाख करोड़ रुपया देश का कर्ज उठाया इन्होंने, इससे पहले 52 लाख करोड़ रुपया देश के ऊपर कर्ज था 2014 से पहले, आज़ादी से लेकर के टोटल मिला करके 52 लाख करोड़ रुपया कर्ज था, आज 100 लाख करोड़ रुपया और कर्ज उठा के दिया है। आज देश की जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में इतना तो हमारा ब्याज चला जाता है,
मैं समझता हूँ मैं ज़्यादा इकोनॉमी का एक्सपर्ट तो नहीं, पर इतना मुझे पता चला है कि 40% देश की इकोनॉमी का जो पैसा है वो सिर्फ ब्याज में जा रहा है। तो देश तो देश को कह रहे हैं ये देश बन जाएगा विश्व गुरु बन जाएगा, जिसे ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है। हाँ तो 5 ट्रिलियन की ये जो बात करते हैं, इनको पता है 5 ट्रिलियन की कैसे हो जाएगी? देश के ऊपर इतना बड़ा कर्ज, हमारे सिर का बाल बाल बिका हुआ है, इन लोगों ने बदमाशी बचा रखी है। ये देवराज जी को जो सलाह देनी चाहिए थी वो इकोनॉमिक में देनी चाहिए थी, और इनको मुझे तो लगता है कि ये सबसे बड़ा मूर्ख आदमी है विवेक देवराय। यदि ये अकल होती, इसको तमीज होती, तो आर्थिक सलाह देता, और आर्थिक सलाह दे करके जो कर्ज उठाया है 100 लाख करोड़ का जो कर्ज उठाया हुआ है वो उठाने की जरूरत ना पड़ती। आज इतने हालात खराब हैं, इतने हालात आर्थिक स्थिति इतनी खराब है जिसका बयान नहीं किया जा सकता। मैं अपने विवेक ओबराय जी को रिक्वेस्ट करूँगा कि बदतमीजी वाली बातें छोड़ें, सही से सड़क पर आकर के सोचें और लोगों की भावनाओं का पता करें कि इस देश में हो क्या रहा है। और सरकार को भी चाहिए कि ये अभी संभल जाए, जो है जो देवराज जैसे आदमी जो सलाह गलत दे रहे हैं, जहाँ सलाह देनी चाहिए उनको आर्थिक सलाहकार हैं वो, संविधान के तो ज्ञाता नहीं हैं और उनका ज्ञान भी नहीं है। लगता है मुझे भी ये गारंटी है कि संविधान का एक बार भी नहीं पढ़ा होगा विवेक देवराज जी ने, तो इसलिए संविधान को पहले पढ़ लें, समझ लें और देश की स्थिति को भी देख लें, तभी कोई भी सलाह दें। इसलिए मैं ज़्यादा ना कहता हुआ मैं इतना अनुरोध करूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ की सरकार से, और जो यहाँ के चीफ हैं, इन सब के बाप हैं, वो है मोहन भागवत। मोहन भागवत जी से कहूँगा ये देश बर्बादी के कगार पर खड़ा है, इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। भागवत जी थोड़ा प्रधानमंत्री को अपनी सरकार को संभालिए, नहीं तो देश आग में झुलसने वाला है। यदि हिंदू राष्ट्र की बात करोगे और देश में यदि तुम इस तरह का संविधान बदलने की बात करोगे तो ये देश आज भी गया कल भी गया। हम लोग रहें ना रहें यहाँ देश झुलसेगा, लोग मारे जाएंगे, ऑलरेडी ही बहुत बर्बादी हो चुकी है, देश खोखला है। इसलिए आप यहाँ की देवराज जी यहाँ की आर्थिक स्थिति को संभालिए, फालतू बातें करने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। जो इस तरह की संविधान की बातें आपने की हैं ये बदतमीजी वाली बातें हैं, आप अपने को थोड़ा संभाल करके आगे चलाइए, देश को अच्छे रास्ते पे ले जाने की कोई सलाह दीजिए।